हाथरस कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को हाथरस कोर्ट में पेश कर दिया गया है। पुलिस रिमांड की मांग के साथ हाथरस की जिला अदालत में पहुंची है और फिलहाल हाथरस की जिला अदालत ने मधुकर को रिमांड पर भेज दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, पुलिस ने हाथरस कोर्ट में देव प्रकाश मधुकर को जोड़ दिया है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देव प्रकाश मधुकर हाथरस कांड के मुख्य आरोपी, जहां 121 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई, उस देव प्रकाश मधुकर को यहां हाथरस की अदालत में पेश किया गया है, जहां पुलिस को उसका रिमांड मिल गया है। तो इस वक्त की खबर यह है कि अदालत में पेश करने से पहले बाकायदा मधुकर का मेडिकल करवाया गया है, क्योंकि इससे पहले मधुकर के वकीलों ने दलील दी थी कि वो खुद हार्ट पेशेंट है। नजफगढ़ से गिरफ्तारी के बाद हाथरस पुलिस मधुकर को यहां हाथरस लेकर आई, जहां जिला अस्पताल में उसका मेडिकल चेकअप हुआ और अब इस वक्त अदालत में पेश किया जा चुका है मुख्य आरोपी को, और पुलिस को 14 दिन का रिमांड मिल गया है। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास निकल कर आ रही है। तो अब पुलिस की असल पूछताछ शुरू होगी, जहां मधुकर से पूछा जाएगा कि इस पूरे आयोजन के पीछे किस किस की भूमिका है, किस किस की फंडिंग है, और जब ये घटना हुई तो इसके बाद किस किस के संपर्क में हुआ था। आपको बता दें कि 2 जुलाई को सत्संग था, जैसे ही दोपहर 2 बजे सत्संग खत्म हुआ, लगभग 1:30 पर सत्संग खत्म हुआ, बाबा नारायण हरि सूरजपाल को निकालने के लिए गार्ड्स ने लोगों को धकेला, लोग चरण रज लेने के लिए आगे बढ़े, भगदड़ मची, फिसलन थी, लोग गिरते चले गए और 121 लोगों की जान चली गई। पुलिस की जांच में देव प्रकाश मधुकर मुख्य आयोजनकर्ता थे, क्योंकि उन्हीं की तरफ से 80,000 लोगों के लिए परमिशन ली गई थी, लेकिन पुलिस की FIR कहती है कि उस दिन वहां 2.5 लाख से ज्यादा लोग थे। इतना ही नहीं, मुख्य आयोजनकर्ता की तरफ से पुलिस को पंडाल में नहीं घुसने दिया गया, किसी भी तरह की कोई जानकारी बढ़ी हुई संख्या के बारे में नहीं दी गई, और इसी के बाद ये पूरी घटना हुई। जब ये घटना हुई तो बाबा वहां से भागते हुए CCTV में रिकॉर्ड हुए। बाबा ने अपने भक्तों को बचाना या उनकी कुशलता को सुनिश्चित करना अपनी प्राथमिकता नहीं रखा। 4 दिन तक बाबा भी गायब रहे। 4 दिन बाद 6 जुलाई को जब मधुकर पुलिस की गिरफ्त में आया दिल्ली के नजफगढ़ से, तब बाबा ने अपना बयान दिया। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, मुख्य आरोपी मधुकर को जिला अदालत हाथरस में पेश कर दिया गया है, रिमांड कितने दिन का मिला है? देखिए पवन, मैं आपको बता दूं, यूपी में जब भी किसी भी आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाता है तो पहले उसे जो है जुडिशियल कस्टडी यानी JC में भेजा जाता है, और सोमवार को जो है रिमांड के लिए एप्लीकेशन पुलिस लगाएगी और उसके बाद रिमांड मांगा जाएगा। क्योंकि मेरी जो यूपी पुलिस के आला अधिकारी, उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मैंने कहा कि कितना जो है दिन का रिमांड पुलिस मांगेगी, जब हमने सवाल पूछा तो उनका ये कहना था कि ये सारा IO का विवेक है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो है रिमांड मांगेगा। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आई है तो वो ये है कि तकरीबन 5 दिन का रिमांड पुलिस इसमें मांग सकती है, सोमवार को इसमें एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएगी। एक और इंपॉर्टेंट हमारे पास जानकारी आई है पवन, कि जब 2 तारीख को ये पूरा हादसा हुआ तो उसके बाद देव प्रकाश मधुकर, जो पुलिस सूत्रों का कहना है कि वो समझ चुका था कि क्योंकि मुख्य आयोजनकर्ता वही था और वो ये जान चुका था कि इसके बाद अब पुलिस उस पर शिकंजा कसेगी और उस पर कार्रवाई करेगी, तो वो मौके से फरार हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश होता हुआ दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा था, और जब से जो है वो वहां पर छुपा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और मैनुअली जो है जानकारी हासिल करते हुए नजफगढ़ से जो है देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस जांच में जो है वो लगातार उससे सवाल पूछे जा रहे थे, फिलहाल कई घंटों तक उससे पूछताछ हुई है, लेकिन अब क्योंकि उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, अब वो पहले जुडिशियल कस्टडी में जाएगा, उसके बाद सोमवार को जो है पुलिस रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है, और उसके बाद रिमांड मिलने के बाद उससे पूछताछ होगी, पूरा मनी ट्रेल निकाला जाएगा,
था। पुलिस का ये कहना था आधिकारिक तौर पर कि मधुकर के दो रोल सामने आए, एक कि वो जो है मुख्य आयोजनकर्ता के तौर पर था, तमाम मैनेजमेंट वो देख रहा था, दूसरा वो फंड रेजर भी था, यानी कि जो लोगों से फंड रेज करना, जो भी बाबा के सत्संग में आते हैं या फिर जो दूसरे लोग हैं उनसे फंड रेज करना, उसके बाद उस फंड को जो है आगे इस्तेमाल करना, ये तमाम काम जो है मधुकर का था। तो ऐसे में पूरा मनी ट्रेल निकालना है, किससे कितना पैसा लिया गया, कब कब पैसा आया और कितना पैसा जो है मधुकर अब तक इकट्ठा करके इन तमाम इवेंट्स में या आश्रम में दे चुका था, इन तमाम की जानकारी, डिटेल्स की जानकारी जो है वो पुलिस को निकालनी है। इसके लिए पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी मदद लेंगे, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अपने सोर्सेज होते हैं, अपनी टीम होती है, इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होती है जो कि इन सब चीज़ों को, मनी ट्रेल को निकालने के लिए काम करती है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी जो है यूपी पुलिस मदद लेगी और उसके बाद आगे की तस्वीर साफ होगी, जिसमें यूपी पुलिस की जो टॉप सोर्सेज हैं, जो आला अधिकारी हैं, उनसे हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर जरूरत पड़ती है तो बाबा को समन भी किया जाएगा और उन्हें पूछताछ के लिए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए भी कहा जाएगा। पवन कुमार सोनू, सवाल ये है कि एपी सिंह जो वकील हैं वो दावा कर रहे थे कि मधुकर खुद हार्ट पेशेंट है और वो अस्पताल में भर्ती है, जबकि पुलिस कह रही है कि रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार हुआ है। मधुकर की हालत कैसी है, क्योंकि कोर्ट में पेश करने से पहले बाकायदा मेडिकल करवाया गया था, क्या मधुकर स्वस्थ पाया गया? देखिए, जो एपी सिंह का दावा था कि पहला दावा तो उन्होंने ये किया था कि दिल्ली के नजफगढ़ में उन्होंने जो है एसटीएफ को सरेंडर किया, ये दावा उनका गलत निकला। दूसरी बात ये कि मधुकर जो है हार्ट पेशेंट है और वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है, उनका दूसरा दावा भी जो है हाथरस पुलिस ने खारिज कर दिया। पहली बात कि जो सरेंडर होता है वो टेक्निकली जो है हमेशा कोर्ट के सामने होता है, यानी कि कोर्ट में सरेंडर होता है, क्योंकि पुलिस के सामने कभी सरेंडर नहीं होता, वो उसको जो है पुलिस में जांच सहयोग करने के लिए आरोपी खुद चला जाता है कि भाई मैं अपनी जांच, आपकी जो है जांच में शामिल होने के लिए आपके सामने पेश हुआ हूं, तो उसे हम सरेंडर नहीं कह सकते, सरेंडर हमेशा कोर्ट में होता है। तो यानी कि कोर्ट में सरेंडर नहीं हुआ, तो वो बात एपी सिंह की गलत निकली। दूसरी बात ये थी कि वो अस्पताल में जो है इलाज करा रहे थे, जैसे ही वो ठीक हुए डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि हाँ ना अब जो है ईसीजी जो है ठीक आ रहा है, तो उन्होंने एसटीएफ को बता दिया और एसटीएफ को कस्टडी दे दी, ये बिल्कुल गलत बात निकली, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ पर छुपा हुआ था और नजफगढ़ में नाले के पास से, एक सड़क के पास से जो है उसको 7:30 बजे के करीब पकड़ा है और उसके बाद सीधा हाथरस पुलिस जो है उसी वक्त हाथरस के लिए रवाना हुई और तकरीबन 11 बजे के करीब जो दस्तावेज हैं उसमें जो है 11 बजे के करीब की जो है अरेस्टिंग डाली गई है, जिसके बाद रात 11 बजे के बाद जो है लगातार उससे पूछताछ होती रही, घंटों पूछताछ हुई, क्योंकि पुलिस के पास समय कम था और क्योंकि रात में उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो पूरी रात उससे जो है पूछताछ हुई, सुबह भी उससे पूछताछ हुई है, दोपहर तक पूछताछ हुई जिसमें आला अधिकारी मौजूद थे, एडीजी रैंक के अधिकारी थे, आईजी रैंक के अधिकारी थे, एसपी रैंक के अधिकारी थे, खुद हाथरस के एसपी उसमें मौजूद थे, तो ये तमाम अधिकारी मौजूद थे, उसके बाद जो है उन्हें पेश किया गया। सवाल ये कि क्या मधुकर की तबीयत वाकई में खराब है, क्या वो वाकई में हार्ट पेशेंट है, इस पर जब हमने सवाल पूछा एसपी हाथरस से तो उनका ये कहना था कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री निकाली जा रही है और जो भी जानकारी आएगी वो हम आपके साथ भी साझा करेंगे, यानी कि पुलिस ने अभी उसकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं निकाली है। जाहिर सी बात है कि उसको लेकर भी जो है उससे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उससे पूछताछ की जाएगी कि अगर तुम हार्ट पेशेंट हो तो पुरानी तुम्हारी हिस्ट्री है, कहां तुमने इलाज कराया, ये तमाम डिटेल्स जो है वो निकाली जाएगी। लेकिन एपी सिंह के दोनों दावों को जो है हाथरस पुलिस ने झुठला दिया है।